या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। हम नौ दुर्गा के पांच में रूप की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्कंद कुमार के माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम नौ दुर्गा के पांच में रूप की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्कंद कुमार के माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम स्कंद, मैं तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम स्कंद, मैं तुम्हें प्रणाम। भक्तों, ब्रह्मांड में व्याप्त शिव तत्व का मिलन जब देवी शक्ति के साथ होता है तो स्कंद माता का जन्म होता है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इनकी उपासना से भक्तगण मृत्यु लोक में भी परम शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। देवी का यह रूप ज्ञान का प्रतीक है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद माता को विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, स्कंद माता की जय। शिव तत्व का जब होता है शक्ति से मिलन, तब ही स्कंद नाम की ऊर्जा होती उत्पन्न। कार्तिकेय की माता को कहते हैं स्कंद माता, इनको ही महेश्वरी गौरी नाम से जाना जाता। पर्वत राज की पुत्री होने से पार्वती कहलाई, माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता वरदाई। पांचवें दिन इनका ही सब ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्कंद कुमार के माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम स्कंद, मैं तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम स्कंद, मैं तुम्हें प्रणाम। भक्तों, पुराणों से यह ज्ञात होता है कि तार का सुर वज्रांग नामक दैत्य का पुत्र और असुरों का अधिपति था। उसकी पत्नी का नाम शंभुकी था। तारकासुर के तीन पुत्र थे जिसके नाम क्रमशः तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्मली था। देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने महादेव की घोर तपस्या की। निर्जन वन में जाकर कंदमूल खाकर वह तपस्या करता रहा। उसकी कठिन तपस्या से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और तारकासुर को दर्शन देते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, स्कंद माता की जय। कहता हूँ मैं इनकी कथा जो कहते हैं पुराण, स्कंद माता ही देती है ज्ञान और विद्यादान। तारकासुर नामक असुर था अति बलवान, महादेव का किया तपस्या पाने को वरदान। किया कठोर तपस्या उसने वन में ही जाकर,
लंबा रखा उपवास बस कंद मूल खाकर। उसके तप से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्कंद कुमार के माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम स्कंद, तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम स्कंद, तुम्हें प्रणाम। भक्तों, वरदान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। तारकासुर की बात सुनकर भगवान शिव ने उसे बताया कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं हो सकता। तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका पुत्र होगा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, स्कंद माता की जय। शिव को सम्मुख पाकर असुर हुआ है प्रसन्न। तारकासुर ने अमरता का मांगा उनसे वचन। शिव ने कहा मांग लो मुझसे दूजा कोई कर, जिसने भी है जन्म लिया वह होगा ना अमर। उसने सोचा शादी कभी नहीं करेंगे भगवान, शिव पुत्र के हाथों मृत्यु का मांगा वरदान। तब शिव वर देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्कंद कुमार के माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम स्कंद, तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम स्कंद, तुम्हें प्रणाम। भक्तों, शिव के वरदान के परिणाम स्वरूप तारकासुर अत्यंत दुर्दांत हो गया और देवतागण उसकी शक्तियों के आगे विवश हो गए। तब इंद्र आदि देवताओं ने भी ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि तारकासुर का अंत शिव के पुत्र से ही हो सकेगा। देवताओं ने कामदेव और रति के सहारे पार्वती के माध्यम से शिव को वैवाहिक जीवन के प्रति आकृष्ट करने का प्रयत्न किया। शिव ने क्रुद्ध होकर कामदेव को जला डाला। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, स्कंद माता की जय। तारकासुर हो गया था तब अत्यंत बलवान, करने लगा वह अत्याचार पाकर के वरदान। उसकी आसुरी शक्तियों से देवगण घबराए, वो इसके समाधान को ब्रह्मा के सम्मुख आए। ब्रह्मा बोले शिव पुत्र ही करेगा उसका नाम। देवों ने काम देव रति को भेजा शिव के पास। ध्यान मग्न शिव काम पर क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्कंद कुमार के माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम स्कंद, तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम स्कंद, तुम्हें प्रणाम। भक्तों, माता पार्वती ने आशा नहीं छोड़ी और रूप सम्मोहन के उपाय को व्यर्थ मानती हुई तपस्या में निरत होकर शिव प्राप्ति का उपाय शुरू कर दिया। माँ पार्वती की तपस्या से शिव प्रसन्न हुए। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने
माता पार्वती से विवाह किया। उनसे कार्तिकेय यानी कि स्कंद की उत्पत्ति हुई। स्कंद को देवताओं ने अपना सेनापति बनाया और देवासुर संग्राम में उसके द्वारा तारकासुर का संहार हुआ। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, स्कंद माता की जय। शिव ने तीसरे नेत्र से काम को भस्म किया, जान के सारी बात काम को फिर से जीवित किया। पार्वती माता ने भी छोड़ा ना था, देंगे दर्शन भोलेनाथ उनको था विश्वास। प्रसन्न होकर शिव जी ने फिर दर्शन है दिया, तारका के वध को माता से विवाह किया। उनसे उत्पन्न स्कंद देवों को विजित कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्कंद कुमार के माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम स्कंद, मुख में प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम स्कंद, मुख में प्रणाम। भक्तों, स्कंद माता का वर्ण पूर्णतः श्वेत है और यह इनका रूप चतुर्भुज है। ऊपर वाली दाहिनी भुजा में यह षडानन बाल रूप स्कंद को पकड़े रहती है और ऊपर वाली बाई भुजा से आशीर्वाद देती है। नीचे वाली दोनों भुजाओं में माता ने कमल पुष्प धारण किया हुआ है। इनका वाहन सिंह है। इस रूप को पद्मासना से भी जाना जाता है। वात्सल्य विग्रह होने के कारण माता के इस रूप में कोई शस्त्र नहीं होता। इस दिन माता की पूजा करने के बाद केले का भोग अर्पण करने से परिवार में सुख शांति आती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, स्कंद माता की जय। श्वेत बनी है चतुर्भुजी स्कंद कुमार की माता, कमल पुष्प कर धारण सिंह का वाहन भाता। पद्मासना के नाम से भी इनको है जाना जाता, सुख शांति देती सदा जो भी नर इनको ध्याता। इनकी पूजा करने से खुश रहता है परिवार, वात्सल्य विग्रह माता से पोषित है यह संसार। माता के श्री चरणों में हम शीश नवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्कंद कुमार के माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम स्कंद, मुख में प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम स्कंद, मुख में प्रणाम। भक्तों, नवरात्रि के पांचवें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें, फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीपक से माँ की आरती उतारें और आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें और आप भी ग्रहण करें। स्कंद माता को सफेद रंग बेहद पसंद है।
इसलिए आप सफेद रंग के कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, स्कंद माता की जय।